सवाल आपने आकर मंच पर जब आपने कविता पढ़ी सब लोग इमोशनल हो गए, बहुत ही खुश हो गए, बहुत तालियां बजी। आज कृष्णाष्टक की जो पोइट्री की बुक है लॉन्च हुई, कितना खुशी हुई और बोल बोले जो रिनोवेशन हुआ हॉल उसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात, खुशी तो हम हमेशा होते हैं क्योंकि इस तरीके का कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है तो अंदर से झूमते हैं। और ये जो मंच की बात कर रहे हैं, मंच तो हमारे लिए मंदिर है सर। एक मंदिर की ओपन करेंगे उसमें जितना खुशी मिलती है, एक मंच की ओपन करने में उतनी ही खुशी हमें मिलती है क्योंकि हमें परफॉर्म करने की जगह मिल जाती है। हमारे लिए वही जगह है जहाँ पे हम जिंदा रहते हैं, एक एक्टर, क्योंकि हमारे अंदर डबल सत्ता है। एक जो होते हैं, जो एक रील एक रियल, जो रील होती है वो मंच के ऊपर और जो रियल है वो मैं हूँ, दोनों में अंतर है। तो जब हमें वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए मौका मिल जाता है, हम वहीं पे जीवित होते हैं क्योंकि लोग जब हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं तभी हमें अच्छा लगता है, तभी हम लोगों में जीवित रहते हैं। आप हमें प्यार नहीं करेंगे तो हमारा अंत, एज एन एक्टर हमारा अंत। इसलिए मंच जो है गुडबोले का, जो ये जो है, जो आज जो उद्बोधन हुआ है उसमें मुझे उतना ही आनंद मिला जितना मिला कृष्णाष्टक से, क्योंकि कृष्णाष्टक भी आज ही ओपन हुआ है। देखिए, इस बुक के बारे में विस्तार से बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बुक तो मुझे अभी मिली है, मुझे पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन एक बात यह है, मैंने जो कविता पढ़ी उसमें गुरु की बात की गई है। ये गुरु आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है, हम नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो डेडिकेशन, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि हम मेंटर हैं। और ये जो कृष्ण की जो बात कर रहे हैं, कृष्ण ये हमारे लिए एक अलग जगह तैयार करके गया है, एक अलग जगह तैयार करके गया। उनके लिए किस साइड से बोले, जहाँ से बोलेंगे वो हमारे लिए बहुत कमी हो जाएगी। एज ए प्रेमी, एज ए फिलोसोफर, एज ए पॉलिटिशियन, एज अ किंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लवर, एज अ म्यूजिकल पर्सन, कौन सा दिख उनके लिए कमी थी। ही वॉज फुल ऑफ दिस। तो उनके लिए क्या कहूँ, उनके लिए जानना ही तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, असीम है वो। ये बुक समाज को क्या मैसेज देती है, क्योंकि आजकल के यूथ जो थोड़ा राह से भटक जाते हैं, या क्या संदेश देती है? देखिए, इसमें एक मेरा कहना है, हमारे ज़माने में हमारे साथ जो होता था कि हमारे समय में मोबाइल नहीं था, हमारे ज़माने में एक चीज़ को ढूंढने के लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताबें ढूंढनी पड़ती थी। आज के ज़माने में जो यंग जनरेशन है वो किताबें नहीं ढूंढती है, वो सीधा गुलू गुलू पे जाके वो मैसेज करते हैं, वो मिल जाते हैं। और ये गुलू गुलू कभी कभी इतना गुलू गुलू करवा देते हैं कि वो उसका कोई अंत नहीं है। सो ये है कि यंग जनरेशन को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे तभी जाके उनको ज्ञान प्राप्ति हो। समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना, सोचना। सोच और समझ जब तक नहीं आएगा तब तक ये पढ़ना बेकार है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कृष्णाष्टक बुक के बारे में, आपने आज एक तरह से संचालन किया और ये कृष्णाष्टक बुक के बारे में आपकी क्या राय है, क्या भूमिका है? ये जो कॉन्सेप्ट कृष्णाष्टक है, ये अनु पांडे जी जो मेरे को एडिटर है, उनकी और मेरी, ये उनका और मेरा एक विजन था। दिस वॉज आवर विजन, and the vision was to familiarize the millennial generation with the philosophy of the Lord. Jaise Bhagavad Gita hai, logon ko lagta it's an abstruse philosophy, it is recondite, usko sab log samajh nahi pate kyunki original it's Lord Krishna's poem after all, jo Sanskrit mein hai. Gnaneshwari aap padhenge to Marathi mein Gnaneshwar ji ne usko simplify kiya hai. तो हमने कृष्णाष्टक के जरिए मिलेनियल जेनरेशन को फेमिलियराइज करने की कोशिश की है। वी मेड अ सिंसियर एंडेवर टू फेमिलियराइज द मिलेनियल जेनरेशन विद द फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा
टेल्स फ्रॉम महाभारत एंड ऑफ कोर्स यू नो द एसोटेरिक फिलॉसफी. सो हमारा जो विजन था ये सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं था. इसमें हम इट्स अ क्वाड्रिलिंगुअल एंथोलॉजी. इसमें चार भाषाएं हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. इसमें एक रॉल्फ डॉपनबर्ग करके पोएट हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं. उन्होंने फ्रेंच में पोएम लिखी है. एंड वी हैव इंटरनेशनल राइटर्स. सो एज मेनी एज 35 पीपल केम टुगेदर फॉर दिस प्रोजेक्ट. एंड एज आई सेड द iconic face of you know Lord Nitish actor Nitish Bharadwaj, he has given us a divine message. And as I said, Dr. Sandeep Soparkar has written a foreword. जैसे कि मैंने जब इनको interview किया, मैं जानती थी कि ये तो dance में प्रख्यात हैं ही. He is a pioneer and you know मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया आपको. लेकिन उनका जो research है, उन्होंने इतने खूबसूरती से इस फॉरवर्ड को लिखा है. सो आई चोज हिम. यू नो आई एम श्योर योर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज गोइंग टू बी वाई संदीप सोपरकर जी फॉर द फॉरवर्ड टू कृष्णाष्टक. तो कृष्ण, जैसे कि अभिजीत दास ने भी आपको बताया कि वो एक अष्ट पहलू, जैसे कहते हैं इज अ मल्टी डायमेंशनल मल्टी स्प्लेंडर्ड मल्टी फैसेटेड लॉर्ड. जो डांसर है, जो म्यूजिशियन है, जो लवर है, जो फिलोसोफर है, जो पॉलिटिशियन है, ही सो मैनी पर्सनैलिटीज रोल्ड इन टू वन. सो वी मेड एन एंडेवर टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ यू नो लॉर्ड श्री कृष्ण. जी अगर आप चाहते तो और संकलन करते तो चार अलग अलग भाषाओं में हो सकती थी. आपने एक में रखा, क्या कुछ कारण होगा? जी इसका बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है, क्योंकि आजकल पुस्तकें बहुत कम बिकती हैं बिकॉज ऑफ सर्च इंजन्स, जैसे कि आपको अभिजीत दा ने बताया. तो मैं अगर एक किताब फ्रेंच की निकालूंगी, एक किताब मैं अगर हिंदी की निकालूंगी, कौन लेगा कौन? ओके, अगर श्री वो बोलेंगे कि श्री कृष्ण के लिए हम इस्कॉन जाएंगे, वहाँ पे किताबें मिलती हैं, आपकी कृष्णाष्टक क्यों खरीदे, एंथोलॉजी क्यों खरीदे? एंथोलॉजी वर्ड से भी लोगों को प्रॉब्लम है. व्हाट डज इट मीन? ओके, व्हिच मींस अ कलेक्शन ऑफ पोम्स. तो जो काव्य हमने ऐसा हमने कोशिश की है कि प्रोज तो सभी लिखते हैं, हम पोएट्री के रूप में हमारे मिलेनियल जनरेशन को प्रेरणा देंगे. वी विल इंस्पायर देम. बियॉन्ड डांसर आप एक बहुत ही मतलब बहुत पॉपुलर भी है और आप पीएचडी भी किए मैथोलॉजी में. आज ऐसा हमने कहा और आपसे आज चाहेंगे, आपने फॉरवर्ड भी लिखा है इस बुक का, इस बुक के बारे में क्या आपने पढ़ा, क्या लगता है कि कृष्णाष्टक बुक कैसी है? वेल, मैंने ये बुक अभी तक पढ़ी नहीं है, पर मैंने इनके साथ में जो काम किया उससे मुझे पता है कि बुक में क्या आने वाला है. सो ऑफकोर्स उसके बारे में मुझे पहले पता था, बुक में अभी पढ़ूंगा. पर लेकिन एक बात ज़रूर है, कृष्णा के ऊपर कोई कितना भी लिखे कम है, और जो मैंने लिखा है थोड़ा सा कुछ मैंने पन्ने लिखे हैं, बट आई थिंक बात यही है कि हर किसी के अंदर एक कृष्णा है, हर किसी की आउटलुक में एक कृष्णा है, और हर कोई अपने बारे में सोचता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज़, हाउ द डिवाइन इज़. तो ये किताब वही आपको समझाती है, बताती है कि आप कृष्णा को अपनी तरीके से देख सकते हैं, और जो तरीके से आप देखेंगे वो तरीका सही होगा, बिकॉज दैट्स अ डिवाइन मैसेज द कृष्णा लॉर्ड कृष्णा कैरीज विथ हिम. मैं अभी जब हम लोग लॉन्च कर रहे थे, मैंने एक बात बोली कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो रही थी तब श्री कृष्ण से उन्होंने उनको एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप इसलिए मर रहे हैं और इस जवान उम्र में आप इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आपने औरत का सम्मान नहीं किया. तो मेरा मैसेज सबके लिए यही होगा कि आप लोग सब जो ये बात सुन रहे हैं, प्लीज़ इस बुक के थ्रू ए मैसेज, इस बुक की हर कविता एक अलग अलग मैसेज दे रही है, आप उस मैसेज को आगे ले जाएं, उस मैसेज से अपनी ज़िंदगी में उतारें, तभी आप एक लॉर्ड कृष्णा की बताई हुई जो ज़िंदगी है उसमें शायद थोड़ा सा उस जगह तक पहुँच सकें. आज की जो जनरेशन है वो एक अध्यात्म या इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करती है, जैसे कि आप ब्लू ब्लू करते हैं, तो वो कुछ उन्हें कितनी ज़रूरत है इस तरह की पोएट्री? वेल, बिल्कुल अभिजीत सर ने सही कहा, गूगल आजकल गुरु बन गया है और हम लोगों को शायद गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती. पर लेकिन हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम लोग फ़ोन खोलते हैं, लैपटॉप्स खोलते हैं, तो हम दरवाज़े बंद कर देते हैं. जब लोगों से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तब दरवाज़े खोलते हैं. दरवाज़े डज नॉट मीन
घर के दरवाजे, दरवाजे मीन्स दिल के दरवाजे, दिमाग Space. के दरवाजे. आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. आप अपना फ़ोन रखिए, बट कुछ समय ऐसा दीजिए जो आप किताबों को देंगे, समय ऐसा दीजिए जो आप अपने लोगों को देंगे. आजकल हम लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे घर में कोई लोग भी रहते हैं. एक समय था जब हम लोग सुबह उठ करके धरती को छूते थे और कहते थे करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम. आजकल क्या हो गया है, सुबह सुबह व्हाट्सएप, बीच में फेसबुक, फिर लास्ट में इंस्टाग्राम. यही हो गई है हमारी ज़िंदगी. कर आगरे वस्ते व्हाट्सएप, कर मध्य फेसबुक, कर मूले तू इंस्टाग्राम. सो आई थिंक लेट अस चेंज दिस होल थिंग. जो हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए वैसे ही हमें जीनी चाहिए. जो हमें एप्लीकेशंस मिलने हैं ये एक ज़रिया है एक दूसरे जानने का, पहचानने का, पास आने का, बट दैट इज़ नॉट लाइफ. सो कि अभी जो सोच है ना, सोचना समझना इसलिए कम हो गया है क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ढूंढते नहीं है चीज़ों को, उनको बहुत आसानी से मिल जाती है. आप अगर लाइब्रेरी जाएंगे, 5-10 किताबें ढूंढेंगे, उसमें से एक किताब निकालेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इस किताब की ज़रूरत है, मुझे इसमें से ये चीज़ मिलेगी. ये जो ढूंढने का तरीका है, उसमें जो समय देना है, ये जो है कि हमारे अंदर से ये चीज़ें बिल्कुल हट गया है. और एक प्रॉब्लम हो गया है मोबाइल आते ही, और एक चीज़ की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है, वो है शॉर्टकट. लाइफ में कोई शॉर्टकट है नहीं, लेकिन हम शॉर्टकट मैसेज करना शुरू करते थे. अब गुड मॉर्निंग की जगह GM लिख देते, हाउ आर यू की जगह HRU. तो किसी ने मुझे कहा, लिखा था GM HRU, मैंने कहा देखो मैं जनरल मैनेजर रू कंपनी का जनरल मैनेजर तो हूँ ही नहीं भाई, मैं एक एक्टर हूँ. बोले नहीं सर, वो गुड मॉर्निंग है और वो HRU मतलब हाउ आर यू है. मैंने कहा तो पूरा लिखो. तो ये चीज़ हो गई है शॉर्टकट लाइफ में. जो शॉर्टकट की बातचीत चल रही है ना, ये जो ये यहाँ से शुरू हो गया है, मोबाइल से शुरू हो गया, इसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है. ये यंग जनरेशन के लिए जो बात इन्होंने बताई है संदीप जी ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई थोड़ा सा टाइम दो, ढूंढो चीज़ों को, लाइब्रेरी जाओ, घूमो, किताबें पढ़ो. सारा चीज़ मोबाइल से नहीं चाहिए, सारा चीज़ मतलब गूगल से नहीं मिलता है. That's all. और एक बात मैं दादा की बात कंटिन्यू करके कहना चाहूंगी कि इस एंथोलॉजी में एक बहुत ही सिस्टमैटिक सिलेक्शन प्रोसीजर था. हमने जो कुछ आया वो एक्सेप्ट नहीं किया, हमने काफी रिविजन्स भी करवाए. हमने पोएट्स को बोला पढ़िए, आप जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक आप यू कैन नॉट राइट ऑन लॉर्ड कृष्ण. So you need to understand, you need to research, and that research has to be, jisko gud hum kehte hain, it has to be intense, it has to be rigorous, it has to be vigorous. Jaisa inhone kaha, you cannot just lift things from Google. So, you know, we have an anti-plagiarism software, you know, our publishers and including, we have turned it in, you know, as PhD holders. So we did not accept, you know, plagiarism at all. And ye jo sari poems hai, ye original hai. और मैं बस मेरे ऑडियंस से, मेरे रीडर्स से दरख्वास्त करूंगी, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू रीड द एंथोलॉजी एंड यू नो गिव अस अ फीडबैक. थैंक यू सो मच. थैंक्स. पोएट्री बुक पब्लिश की हमें बहुत खुशी है कि ये आज लॉन्च हुई, बहुत मेहनत लगी है इसमें. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंजीनियर अनूप पांडे साहब का और डॉक्टर कुलकर्णी का, उनने बहुत मेहनत की. और आप सबको बताना चाहूँगा कि ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे. इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रेम से और श्रद्धा से लिखा है, पेंटिंग्स हैं, स्टोरीज़ हैं और पोइट्री है. ये आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए. और आजकल के समय में हमने देखा है कि काफ़ी कम लोग लिखते हैं, तो हम भी सामने आ गए जब ये हमारे पास आए ये प्रपोज़ल लेके कि ठीक है हम इसको छापेंगे, इसको पब्लिश करेंगे. और टुडे वी फील वेरी वेरी ऑनर्ड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. थैंक यू. सर आपसे जानना चाहेंगे कृष्णाष्टक की पोइट्री बुक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कल्चरल, आजकल के लोगों क्या मैसेज देती है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू आई एम ए कंट्रीब्यूटर टू दिस कृष्णाष्टक एंड इट इज़ नॉट आवर एफर्ट, इट इज़ द एफर्ट ऑफ कृष्णा टू एंगेज आवर सेल्फ इन हिज सर्विस. It was almost 1.5 year back when we had this pandemic. We were all locked up in our houses and practically we were not having anything to do. And we were by force attracted by Krishna. I was very happy when Anup asked me that we are launching a project, Krishnashtak, and you have to contribute
8 poems in it. So I was a bit shocked how I will contribute 8 poems. But again, it was Krishna. It's so happened that the philosophy of Krishna started coming into our mind and the poems started flowing. And finally, when I look back, sometimes I feel wonder how I have written such a beautiful poem. So it's a very satisfying experience, I would say. And the poems which have come up, they are full of the philosophy of Krishna, as he has said in Bhagavad Gita. So the people who would be reading this book, they will get, in nutshell, the philosophy of Krishna. Thank you. So what's your take on this book, Krishnashtak, as poetry book launch hui? Kis tarah ka aapka message hai audience ko ye book ko lekar? ये बुक जैसा डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया, जैसा हमारे गोयल सर ने बताया, ये बुक 4 भाषाओं में है और ये बुक ऐसे लोगों में लिखी हुई है जो जीवन के ठहराव वाले मोड़ पर हैं, जहाँ पर आपको जीवन है वो बड़ी क्लियर तरीके से नज़र आता है। इस बुक में एक हमारे कवि हैं मोहन शर्मा साहब, वो आज अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, वो गोकुल को ही बिलोंग करते हैं, अभी हम मुंबई में रहते हैं और उन्होंने फिल्मों में गीत भी लिखे हुए हैं, कई फिल्में भी की हुई हैं राजेश रोशन साहब के साथ में और बहुत सारे एल्बम्स उनके अनूप जलोटा जी ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे कवि हैं, वो उनकी उम्र जो है करीब 74 वर्ष है, तो इसलिए वो आने में असमर्थ थे। तो ऐसे कवि हैं जो ज़िंदगी का निचोड़ अपनी कविताओं में डालते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि भक्ति नवधा होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, गायन भी एक भक्ति है, जब आप गायन की चरम सीमा पर होते हैं तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, पेंटिंग हो वो भी भक्ति है, इसी तरह से कविताएं हैं, जब आप लिखने बैठते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हैं, या जो आप बात आप कहना चाहते हैं, जो इमोशन अपनी कविता में डालना चाहते हैं, रोमांस डालना चाहते हैं, तो रोमांस के आप पीक पे चरम पर होते हैं, जब आप भक्ति डालना चाहते हैं भक्ति के पीक पर होते हैं और धीरे धीरे आप निखरते चले जाते हैं। मैं और गोयल साहब दोनों रेलवे में काम करते हैं और दोनों सिविल इंजीनियर, तो बेसिकली हम लोग सिविल इंजीनियर, पता नहीं हमें कि हम कविताएं कैसे लिखते हैं, बट हमें कविता में शब्द भाव वो सब लगता है जैसे हम कोई इमारत खड़ी कर रहे हैं, बस उसी तरह से वो होता हुआ चला जाता है। और इसमें सारे कवि मैंने और डॉक्टर पूर्णिमा ने बहुत मेहनत की, मेहनत इन द सेंस बाकी सब कवियों को परेशान करने में, जब तक उनसे अच्छा लिखवा नहीं लिया और हमारे जो पब्लिशर हैं, पब्लिशर भी परेशान रहे कि इतने करेक्शंस तो नहीं होते, पर हमारा वो था कि हमें तो वो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, वो बात थी, तो हम खुदा को जुदा नहीं करना चाहते थे। तो हमने पोएट्री को बड़ी गंभीरता से लिखा, अच्छा लिखा और मुझे लगता है कि जो हमारे कवि जिन्होंने इसमें अपनी कविताएँ दी हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत भावों को पकड़ा हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है डॉक्टर पूर्णिमा कुलकर्णी का, वो सारे लोगों को इस मंच पर लेके आई और डॉक्टर संदीप सोपरकर, अभिजीत दादा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पोएट्री को अपने शब्द दिए, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड सर। सर मैडम क्या है, और फिर पूर्णिमा ने जो प्रोज लिखे हुए हैं, कुछ प्रोज मैंने भी लिखा हुआ है, तो वो सभी बहुत पढ़ने लायक हैं, उससे आपको सीधा ज्ञान मिलता है। और किताब की विशेषता ये है कि जिन शब्दों को आप पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं आप वापस उसको रिविजिट कर जाते हैं, कई बार क्या होता है आप जैसे व्हाट्सअप कर रहे हैं स्क्रॉल करते हुए चीज़ निकल जाती है, लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हैं, जब पिछला वाला पैराग्राफ या ऊपर वाली लाइन कोई कनेक्ट होती है तो आप वापस उसको रिविजिट करते हैं और वो एक चित्र होता है, एक पेज होता है, एक पन्ना होता है, वो आपके दिमाग में बस जाता है। कई बार आप उसको अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, बरसों बाद फिर से पढ़ते हैं आप कि आपको उस चीज़ में अपील किया था, तो ये बुक भी उसी तरह का प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है, लोग पढ़ें। और एक और बात कहना चाहूँगी कि ये बुक हम लोग जिन्होंने लिखी हुई है सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी ऊंचाइयों पर हैं, कैरियर के अपने चरम पर हैं, तो हमने ये बुक सिर्फ लोगों की समझ की खातिर लिखी हुई है और इसमें से जो अर्निंग्स होती हैं वो हम यहाँ टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाहर एक जो चैरिटी वाला ढाबा या जो खाना खिलाते हैं वो हम वहाँ पर देने वाले हैं, पब्लिशिंग कॉस्ट को निकाल के, बाकी जो भी है प्रॉफिट है हम ऐसे कोई शेयर करने वाला नहीं है उसको, तो ये बड़ी चीज़ है। मैम, बीइंग ए पेसिमिस्ट, यू आर पार्ट ऑफ दिस इवेंट, आज कृष्णाष्टक पोएट्री बुक लॉन्च हुई, हाउ फील और एक्साइटेड और कितना खुशी है? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दैट आई हैव गिवन द टाइटल ऑफ फैशन इंडियाज फैशन गुरु। तो एक गुरु के लिए आज यहाँ रहना बहुत ही इट्स अ वेरी इट्स अ डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज पोएट्री इज़ वन
instrument where we can reach out to the audience on education. When we talk about Lord Krishna, everything that he has, his life and his teachings is all about how we can use his philosophy for today's generation, because there's a lot of misguided generation that we are facing, because I am dealing with them today. We have very, very beautifully, Lord Krishna has advised for womanhood, that you know, when the woman gets cheated in that era, how he has asked them, how you have to mentally balance, how you have to come out of that situation and you have to move on. This is this teachings. I believe that teachings right now, today we all need it. Today, women, please do not go back. There is a lot of depression that suddenly has erupted in India, and a lot of doctors that have been making a lot of money. But as a fashion guru, I advise all the women, they follow Lord Krishna, because when he could say, balance that cheating situation and move on. So I think we all. And today, if you can see, I have worn Rudraksha. I'm carrying the beautiful peacock. If you ask me, the peacock is a symbol of pride. So every woman who wears a turban, who carries a peacock, is a woman of pride of my country, and I'm a part of it, small part of it. So thanks a lot.